साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आकांक्षा दुबे केस में हर रोज नई और बड़ी खबर आ रही है। वाराणसी से एक और बड़ी खबर है और ये खबर काफी हैरान करने वाली है और वो ये है कि समर सिंह का बयान कोर्ट तक पहुंच गया है। जी हाँ, समर सिंह ने जो हालिया बयान जांच अधिकारी को दिया है अब वो कोर्ट पहुंच गया है और कोर्ट में पहुंचने के बाद खलबली मच गई है क्योंकि बयान के मुताबिक आकांक्षा के जाने के बाद, आकांक्षा के इस दुनिया से जाने के बाद समर सिंह बेहद गमजदा है, रो रहा है, बिलख रहा है, उसे आकांक्षा के जाने का बेहद पछतावा है, ऐसा बयान में लिखा गया है। वहीं शादी की बात को लेकर भी अपने बयान में समर सिंह ने काफी कुछ कह दिया, लेकिन इस पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं और यहां तक कहा जाने लगा है कि ये समर सिंह की घड़ियाली आंसू है, कहीं से समर सिंह की कोई चाल है। तो क्या हुआ कोर्ट में जब समर सिंह का बयान पहुंचा? क्या है समर सिंह का पूरा बयान? क्यों कहा जा रहा है इसे बड़ी चाल? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो समर सिंह कितना बड़ा पैतरेबाज है अब तक ये सब समझ चुके हैं। कभी जमानत के लिए अर्जी लगा रहा है, कभी खुद को बेकसूर कह रहा है, तो कभी आकांक्षा पर ही सारा दोष मढ़ रहा है, मगर फिर भी समर सिंह को जेल से किसी भी कीमत पर रिहाई नहीं मिल रही। इसी बीच समर सिंह का एक हालिया बयान कोर्ट पहुंच गया है जिसके बाद मामले में नया मोड़ आता दिख रहा है क्योंकि इस बार समर सिंह का बदला हुआ रूप देखने को मिल रहा है। अब पहले आपको दिखाते हैं कि समर सिंह ने अपने बयान में क्या क्या कहा जो कि कोर्ट पहुंचा है। तो समर सिंह ने अपने बयान में कहा है कि उसे आकांक्षा के जाने का बेहद दुख है, आकांक्षा के जाने से उसको बहुत बड़ा झटका लगा है, इसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अब ये बातें सच है या नहीं ये नहीं पता, लेकिन हाँ इतना कन्फर्म है कि समर सिंह ने ये बातें अपने मुँह से कही है, अपने बयान में कही है। आगे देखिए, समर सिंह ने खुद बताया कि वो और आकांक्षा शादी करने वाले थे। पहले तो समर सिंह खुद का आकांक्षा के साथ रिलेशन भी नकारता रहा, मगर फिर बाद में मान लिया और ये तक कबूल कर लिया कि हाँ उसकी यानी कि समर की और आकांक्षा की शादी होने वाली थी मगर किसी वजह से नहीं हो पाई। समर सिंह ने आगे अपने बयान में कहा कि उसे नहीं पता कि आकांक्षा ये सब कुछ कर लेगी और अचानक सब कुछ खत्म हो जाएगा क्योंकि कभी भी आकांक्षा की तरफ से ऐसा लगा नहीं। अब आगे बढ़ने से पहले यहां पर आपको बता दें कि समर सिंह पर आकांक्षा को खत्म का आरोप लगा है, लिहाजा समर सिंह खुद को बचाने के लिए पहले ही बयान दे रहा है कि आकांक्षा ने खुद को ही खुद से खत्म किया है, जबकि आकांक्षा की मां के आरोप तो बिल्कुल अलग हैं। आगे देखिए, समर सिंह ने अपने बयान में कहा है कि आकांक्षा के जाने की खबर सुनने के बाद से वो अपार दुख में है, उसे बड़ा झटका लगा है और समर सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि उसे पछतावा है कि उसने आकांक्षा के साथ शादी क्यों नहीं की, अगर शादी की होती तो शायद आकांक्षा इस दुनिया में होती, मेरे साथ होती। अब ये बयान समर सिंह ने जांच अधिकारी के सामने दिया है, पुलिस जांच अधिकारी को एक एक बात बताई और अब कोर्ट में भी ये बयान पहुंच गया है। और जब कोर्ट में समर सिंह का बयान पहुंचा तो वहां पर भी खासा हंगामा हुआ, ऐसी खबरें भी आ रही है। खबरों की माने तो आकांक्षा दुबे की मां के वकील ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया है और साफ साफ कहा है कि समर सिंह ने पहले तो आकांक्षा को खत्म कर दिया और अब दिखावे के आंसू बहा रहा है ताकि खुद को बचा सके और अपने ही मन में फैसला सुना रहा है कि आकांक्षा ने खुद को खत्म कर लिया, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहीं इधर समर सिंह के वकील का कहना है कि समर सिंह को इस बात का पछतावा है कि वो आकांक्षा के साथ शादी क्यों नहीं कर पाया, इस पर कोई कैसे आपत्ति जता सकता है। समर सिंह के वकील ने कहा कि अगर आरोपी को पछतावा है तो कोर्ट को भी आरोपी के खिलाफ नरम रुख अपनाना चाहिए। अब जो भी है, हमें तो यही लगता है कि ये समर सिंह की एक चाल हो सकती है खुद को सेव करने के लिए, खुद को जमानत दिलवाने के लिए, और इसीलिए हो सकता है कि समर सिंह ऐसा नाटक कर रहा हो। तो आपको क्या लगता है कमेंट करके आप भी बताएं और वीडियो को भी शेयर करें। तो आकांक्षा दुबे केस की सबसे लेटेस्ट खबर यही है कि दूसरी चार्जशीट में समर सिंह और आकांक्षा दुबे की शादी को लेकर बहुत कुछ लिखा गया है, साथ ही उन चार लोगों के या कहे कि चार गवाहों के बयान भी लिस्ट किए गए हैं जिन्होंने पुलिस के सामने समर और आकांक्षा की शादी की बात को कन्फर्म किया था। जी हाँ, बड़ा खुलासा दूसरी चार्जशीट के जरिए हो रहा है कि समर सिंह और आकांक्षा दुबे शादी करने वाले थे, एंगेजमेंट हो चुकी थी और शादी की तारीख भी फिक्स हो गई थी और फिर समर ने आकांक्षा के साथ डबल क्रॉस कर दिया। वैसे मीडिया में भी ये खबरें पहले भी आ चुकी है कि चार लोगों ने, आकांक्षा के करीबियों ने इसे लेकर गवाही दी है और इन चारों गवाहों के बयान को भी पुलिस ने अपने दूसरे आरोप पत्र में शामिल किया है जो कि आकांक्षा केस के लिए बहुत बड़ी खबर है। वैसे आपको यहाँ
आप बता दें कि भोजपुरी सिनेमा के एक्टर और निर्देशक यश कुमार ने भी समर और आकांक्षा की शादी की बात को कंफर्म किया था। इसके अलावा कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी दावा किया गया है कि समर और आकांक्षा शादी करने वाले थे। आकांक्षा की माँ का तो ये तक कहना है कि समर ने आकांक्षा को शादी के नाम पर हमेशा धोखा दिया है और अब दूसरी चार्जशीट में भी शादी के जिक्र से एक बार फिर से भूचाल मच गया, बवाल मच गया। जी हाँ, समर सिंह जेल के अंदर बंद है और समर सिंह को जैसे ही पता चला कि दूसरी चार्जशीट में उसकी और आकांक्षा की शादी का राज खुल गया है और अब बात कोर्ट तक पहुंचने वाली है तो समर सिंह के होश उड़ गए और उसके बाद समर सिंह अपने आप पर काबू नहीं रख पाया। जेल सूत्रों के मुताबिक समर सिंह बेहद परेशान हो गया। पूरी रात समर सिंह परेशान रहा, पागलों जैसी हरकत करते रहा। सूत्रों के मुताबिक समर सिंह कभी जेल के अंदर अपना ही दिल सिवारों से मारने लगा तो कभी जोर जोर से चिल्लाने लगा। समर को रोका गया मगर समर नहीं माना और समर सिर्फ एक ही जिद करने लगा कि उसे तुरंत अपने वकील से मिलना है। हालांकि अभी तक समर सिंह की जिद को जेल प्रशासन ने नहीं माना है। सामने आया कि समर सिंह की अभी तक वकील से मुलाकात नहीं हुई है क्योंकि कोर्ट के नियम के मुताबिक वकील हफ्ते में एक दिन ही समर सिंह से मिल सकता है और अगर ज्यादा बार मिलना है तो वकील को कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। तो फिलहाल तो खबर यही है कि समर सिंह से मिलने वकील नहीं पहुंचे हैं। वैसे समर सिंह वकील से मिलना क्यों चाहता है तो इसे लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है और वो ये है कि समर सिंह अब आकांक्षा की माँ मधु दुबे से समझौता करना चाहता है। वो चाहता है कि आकांक्षा की माँ उस पर लगाए तमाम आरोप वापस ले ले क्योंकि समर सिंह को पता है कि अगर दूसरी चार्जशीट वाली बातें कोर्ट में साबित हो गई तो समर सिंह को जिंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा जिससे उसका करियर और जिंदगी दोनों तबाह हो जाएंगे। अब हो सकता है कि यहाँ पर समर सिंह कोई बीच का रास्ता निकालना चाहता हो, कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहता हो जिससे खुद उसको राहत मिल जाए। हालांकि अभी तक साफ नहीं है कि वकील से समर सिंह मिलना क्यों चाहता है। हालांकि आकांक्षा की माँ तो कई बार साफ कह चुकी है कि वो हर हाल में अपनी बेटी को इंसाफ दिलाएगी और उन्हें इसके लिए किसी भी तरह का बीच का रास्ता मंजूर ही नहीं है, उन्हें किसी के साथ समझौता नहीं करना। तो जहाँ एक तरफ दूसरी चार्जशीट में समर सिंह की आकांक्षा से शादी का भेद खुल चुका है तो वहीं दूसरी तरफ जेल में समर सिंह की हालत बिगड़ती जा रही है। तो इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें।